उस एजेंसी के दो लाख सैंतीस हज़ार मौजूदा और सबका एम्प्लाइज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयरज यू एस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट इज विच इंडियन फिल्म रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू बी रिलीज इन बांग्लादेश इन फिफ्टी ईयर्स कौन सी इंडियन फिल्म वो पहली फिल्म होगी जो कि बांग्लादेश में पचास सालों में पहली दफ़ा कोई इंडियन फिल्म रिलीज़ होगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज पठान 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो के एक अलग मुल्क बन गया तो उस वक्त से उन्होंने इंडियन फिल्मों पे पाबंदी लगाई थी द रीज़न इंडियन फिल्मों के जरिए कोई लोकल प्रोपेगंडा ना हो जाए और अभी वो पाबंदी उन्होंने हटाई है और इंडियन फिल्मों को इजाज़त दी है तो पठान पहली फिल्म होगी शाहरुख खान की फ़िल्म है जो कि बांग्लादेश में रिलीज़ होगी नेक्स्ट इज़ The US has announced plans to strengthen its defensive posture in which region amid perceived threats from Iran. Iran ki taraf se musalsal threats ki wajah se United States ne recently announce kiya hai ki wo apna defensive posture strengthen karega. To ye defensive posture wo kis region mein strengthen karega? The correct option here is Gulf. Gulf में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेल की supply होती है Recently Iran ने वहाँ पर अभी दो हफ्ते पहले ही दो जहाज़ पकड़े हैं इसी वजह से यू ने ऐलान किया है कि वो अपना डिफेंसिव पोस्टर इस रीजन में स्ट्रेंथन करेगा ताकि ईरान आसानी से कोई और जहाज ना पकड़ सके नेक्स्ट इज विच ग्रुप एग्री टू ट्रूस विद इसराइल आफ्टर फाइव डेज ऑफ फाइटिंग इन गजा गजा स्ट्रिप पे पाँच दिन की लड़ाई के बाद किस ग्रुप ने इसराइल के साथ ट्रूस पे रजामंदी जाहिर की है सो द करेक्ट ऑप्शन इज इस्लामिक जिहाद नेक्स्ट इज वट इज़ द नेम ऑफ द दर्डर दैट रिप्लेस कोविड नाइन्टीन बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बॉर्डर पे इनकी कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस थी वो ये हटा रहे हैं तो इसके साथ साथ इन्होंने एक नया आर्डर जो है वो प्लेस किया है तो इस आर्डर का नाम क्या है सो करेक्ट दिनियर इज टाइटल फोटी टू नेक्स्ट इज़ वाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कप विन इज ड पाकिस्तान डिमांड इन इट्स आन गोइंग डिस्प्यूट विद इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इंडिया के साथ इस बात पर डिस्प्यूट चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इंकार किया है क्यों कि क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान में स्कीजल है और इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान का कहना है अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो जो वर्ल्ड कप इसी साल इंडिया में स्केजुअल है पाँच अक्टूबर से लेकर तेईस नवम्बर तक तो पाकिस्तान भी इंडिया में खेलने नहीं जाएगा इससे रिलेटेड पाकिस्तान ने कुछ और डिमांड किया है तो ये डिमांड किया है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज न्यूट्रल वर्ल्ड कप वेन्यूज पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा लेकिन पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल जगह जिस तरह के यूनाइटेड अरब है उधर ही करवाया जाए बजाय ये कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन कन्फर्मड एज द हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान मैंस क्रिकेट टीम बाई द पी सी बी पी सी बी ने रिसेंटली एक ट्वीट के ज़रिए यह कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान का हेड कोच कौन होगा तो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ग्रांड ब्रेडबर्न ग्रांड ब्रेडरन न्यूजीलैंड का सबका ऑलराउंडर है और इस वक्त वो पाकिस्तान का हेड कोच कन्फर्म हो गया है नेक्स्ट इज इन एनवेस्ट टाउन ऑफ बलूचिस्तान डेड अ क्लियर एंड सपरेशन रिजल्ट इन दिलिंग ऑफ सिक्स टेररिस्ट आन मई थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अडे आफ्टर एन अटैक ऑन एन एफ सी कैम्प पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक एफ सी कैम्प पर टेरिस्ट ने अटैक किया था पे क्लियर एंस ऑपरेशन हुआ और मई 13, 2023 को उसको क्लियर कराया गया जिसमें छह दहशतगर्द मारे गए ये अटैक जो टेररिस्ट ने किया था तो ये बलूचिस्तान के कौन से टाउन में था सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ मुस्लिम बाग हियर इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबलिस्ट